हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं जिनकी एज 21 से 30 साल के अंडर है और कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको करना क्या है, क्योंकि प्लस टू की है, ज़्यादा स्टडी भी नहीं की है। अभी इंडिया में किधर भी काम पर जाते हैं तो कोई 10-12 हज़ार से ज़्यादा देता नहीं है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से निकला हुआ हूँ। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि मैंने प्लस टू कर रखी थी और कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी। अगर जॉब मिल भी रही थी तो कोई 8 हज़ार दे रहा है, कोई 10 हज़ार दे रहा है, उससे ज़्यादा की जॉब नहीं मिलती है। तो ऑब्वियस बात है, अगर हमारी स्टडी अच्छी नहीं होगी तो हमको जॉब भी अच्छी नहीं मिलेगी। तो मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं तो वही आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने किया था उस टाइम में। तो अगर आपकी थोड़ी हाइट है, बेसिक इंग्लिश आप बोल सकते हो और फिजिकली थोड़े फिट हो तो आप दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी अभी हायर कर रही है। इंडिया में बहुत सारे एजेंट के पास अभी वैकेंसी चल रही है, ट्रांसगार्ड की वैकेंसी चल रही है, अरकान की वैकेंसी चल रही है और वर्ल्ड सिक्योरिटी की वैकेंसी चल रही है। तो आप अच्छी किसी कंपनी में आ सकते हो, क्योंकि एक सिक्योरिटी ऐसी फील्ड है जिसमें आप 40 से 50 हज़ार स्टार्टिंग में कमा सकते हो, और दूसरे किसी भी जॉब में आएंगे तो इतने पैसे आपको नहीं मिलेंगे किसी भी कंपनी में, किसी भी काम में। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिक्योरिटी में इधर आएं। इधर आके फिर आप अपनी जॉब चेंज भी कर सकते हैं, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी में काम करने के लिए आपको ना तो ज़्यादा पहले एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही ज़्यादा उसमें स्टडी की ज़रूरत है। आपको सिर्फ बेसिक जो इंग्लिश है, बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तो उसके लिए इधर कंपनी में आओगे तो आपका तो ट्रेनिंग करवाएंगे, ट्रेनिंग के बाद आपका एक लाइसेंस बनेगा जिसको सिरा बोलते हैं, सिरा कार्ड बनेगा आपका। उसके बाद में आपको ये ड्यूटी पे भेजेंगे और उसके बाद में आप 2 साल के बाद अपना काम चेंज भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिक्योरिटी में रहना है, उसके बाद में जो भी आपको जिस भी काम में आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें चेंज कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आने के लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन यही है कि आप सिक्योरिटी में आओ, सिक्योरिटी में आके अपनी जॉब भी चेंज कर सकते हो। तो अगर उस चीज़ के लिए आपको किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी कोई कुछ भी बात आप मेरे से शेयर करना चाहते हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो मैं आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो मैं आपके साथ वो शेयर कर सकता हूँ। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियो लेके आ रहा हूँ, सिक्योरिटी के रिलेटेड भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि मैं खुद पंजाब से निकला हूँ और मेरे को पता है कि पंजाब में प्लस टू के बाद बंदा यही सोचता है कि अभी क्योंकि ज़्यादा स्टडी करना हमारे बस की बात नहीं है, खासकर मेरे बस की बात तो नहीं थी उस टाइम में। मैं तो प्लस टू की तो उसके बाद में ना तो मेरा दिल था आगे स्टडी करने का, ना ही मैंने किया। फिर जिस काम में दिल नहीं है उस काम को फिर करना भी नहीं चाहिए। तो मैंने स्टडी छोड़ के तो फिर तो मैं सीधा पहले कतर में गया था, कतर से बाद 2 साल काम करने के बाद फिर मैं दुबई में आया, तो अभी इधर अच्छा चल रहा है। तो इसके लिए मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप भी, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप भी दुबई का अप्लाई करें, दुबई में आ जाएं। इधर आने के बाद बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं। जब भी आप एक बार इधर आ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, आगे कौन सी फील्ड में जाना है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आप कर सकते हो। तो आई होप कि आप सब समझ गए होंगे, आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रखें, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओके, बाय बाय।